प्रदेश के धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इन्वेस्टर मीट को लेकर बीजेपी नेता प्रदेश के लिए फायदेमंद करार दे रहे हैं तो कांग्रेस नेता इन्वेस्टर मीट को फिजूल खर्ची बता रहे हैं। हमीरपुर में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने इन्वेस्टर मीट को बीजेपी की सैर सपाटे की मीट बनकर रह जाएगी। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेस बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि मीट के बाद कांग्रेस का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। प्रदेश के धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इन्वेस्टर मीट को लेकर बीजेपी नेता प्रदेश के लिए फायदेमंद करार दे रहे हैं तो कांग्रेस नेता इन्वेस्टर मीट को फिजूल खर्ची बता रहे हैं। हमीरपुर में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने इन्वेस्टर मीट को बीजेपी की सैर सपाटे की मीट बनकर रह जाएगी। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने इन्वेस्टर मीट पर कांग्रेस बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि मीट के बाद कांग्रेस का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। प्रदेश में हो रही इन्वेस्टर मीट पर भी राजेंद्र राणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट के लिए सभी लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं क्योंकि जमीन पर प्रदेश की हालत खस्ता है। राणा ने कहा कि चुनावों में एक साल पहले नितिन गडकरी ने प्रदेश में आकर 65,000 करोड़ में 69 नेशनल हाईवे की घोषणाएं कर गए थे लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए इस बार की इन्वेस्टर मीट भी सैर सपाटे वाली ही रह जाएगी। जो इन्वेस्टर मीट है, सड़कें इनकी ठीक नहीं हो रही हैं और जो इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ सैर सपाटे वाली इन्वेस्टर्स मीट हो रही है। चार्टर प्लेन से उनको लेके आएंगे क्योंकि जमीन पे नहीं लेके आएंगे। उनको पता है कि जमीन पे लेके आएंगे तो प्रदेश की पोल खुल जाएगी और ये इन्वेस्टर मीट वैसी होने वाली है जैसे चुनावों से एक साल पहले नितिन गडकरी जी प्रदेश में आए थे और प्रदेश में आके 65,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर गए थे कि 65,000 करोड़ रुपए के मैंने 69 नेशनल हाईवे जो है वो डिक्लेयर कर दिए, एस्टीमेट बनानी, डीपीआर बनानी और उन्हें सपनों में ही जो है वो 65,000 करोड़ रुपया जो है उसकी घोषणा कर दी और ये इन्वेस्टर मीट भी वैसी होने वाली है। कारण मैं बता देता हूं कि आज देश में अर्थव्यवस्था जो है उसका भंटादार हो गया, बेड़ा गर्क हो गया है। हजारों की तादाद में उद्योग बंद हो गए हैं, करोड़ों की तादाद में नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, नई नौकरियां मिल रही हैं, व्यापारी छोटे तबके का जो व्यापारी है उसकी हालत खराब हो गई है, चारों तरफ तराई तराई हो रही है और ऐसे में अगर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, वो करें, परंतु इसके रिजल्ट जो आने वाले समय में पार्टी को पता चल जाएगा और सरकार को पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट क्या होते हैं। वहीं इन्वेस्टर मीट पर हो रही बयानबाजी पर वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से सब सफल हो रहा है जिसे कांग्रेसी पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में तो कुछ हो नहीं सका है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के सफल आयोजन के बाद कांग्रेसियों के मुंह बंद हो जाएंगे। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से खुद जाकर के संपर्क किया और हिमाचल प्रदेश में निवेश करने का आग्रह किया है और हमें प्रसन्नता है कि बहुत से उद्योगपतियों ने जो कि अपने देश के हैं और जो विदेश से भी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा निवेश करने के लिए वो सैद्धांतिक रूप से तैयार हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस इन्वेस्टर मीट में आ रहे हैं, उससे हिमाचल प्रदेश के विकास को 4 चांद लगेंगे और ख़ास तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं और हमें आशा है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश केवल पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में होगा और उससे हिमाचल की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी और कांग्रेस के मुंह पर भी ताला लगेगा।